सर, आज आपने ये जो पवित्रम वेलफेयर फाउंडेशन का भी अनावरण किया है, तो आपके फाउंडेशन में क्या क्या सुविधा रहेंगी जनता को? सर जी, हमारा आगे चल के ये अभी क्या है, मेरा फर्स्ट अभी ये प्रयास है, मेरा फर्स्ट आज का फर्स्ट डे था। आज मैंने बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे इंसानों को क्या किया, खाना दे दिया, खिचड़ी बनाई थी आज, तो वो हमने मुफ्त में दे दी। आगे चल के मेरा प्रयास रहेगा कि हर कभी खाना, कभी शिक्षा, अभी हम अगले संडे हर वीक में एक घंटा बच्चों को पढ़ाने के लिए देने वाले हैं। यहाँ पे ये स्लम एरिया है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं कि उनको शिक्षा की ज़रूरत है, तो हमारा काम ऐसा रहेगा कि हर संडे उनको आके शिक्षा देना, ये हमारा कार्य रहेगा अभी आगे से। और आगे चल के कुछ कपड़े या फिर कुछ खाना, जो भी हमारी तरफ से, फाउंडेशन की तरफ से जो भी होगा, हम बच्चों को, अनाथ बच्चों को या फिर कोई जो बहुत भूखा पैसा है, उसकी जितनी हो सकी उतनी मदद हमारी फाउंडेशन की तरफ से की जाएगी। पवित्रम वेलफेयर फाउंडेशन, जो फाउंडेशन हमारा है, वो ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे लोगों के लिए काम करने की कोशिश कर रहा है, और आपकी दुआओं से अभी आगे चल के उसमें सफलता मिलेगी। बस मुझे यही कहना कि हर एक इंसान ने ऐसा सोचना चाहिए, अगर हर इंसान ऐसा करेगा तो पूरी दुनिया में जो भी रहेगा वो सारा भूखे पैसा कोई नहीं रहेगा, पूरा इंडिया जो है एक सशक्त इंडिया बनेगा। हमारा ये प्रयत्न कि इंडिया को आगे बढ़ाना है, तो हर इंसान ने कदम आगे बढ़ाए तो सारा जो प्रॉब्लम है खाने का, पीने का, वो सारा खत्म हो जाएगा। अमित सर, आप युवा है, फिर आपके दिमाग में ये फाउंडेशन का कैसा आया, आपको पवित्रम वेलफेयर फाउंडेशन का कैसा आया? जैसे कि मैं जो प्रोफेशनल टीचर हूँ, लेकिन बहुत जगह पे मैंने ऐसे देखा है कि वहाँ पे कुछ बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रही, खाना नहीं मिल रहा है, कुछ उनको जो जरूरतें हैं उम्र की, वो उनको हासिल नहीं हो रही, मिल नहीं रही है। तो कुछ हमारे पास कुछ ऐसे आदमी है कि कुछ जिनके पास है बहुत सारा, लेकिन देने के लिए मतलब कुछ ऐसा स्टेज नहीं है, तो वो स्टेज हमने फाउंडेशन के द्वारा बनाया। ऐसे यहाँ पे बहुत सारे आदमी, यहाँ पे मेरे कलीग से बहुत सारे जुड़े हुए हैं इस फाउंडेशन में, मैं अकेले नहीं हूँ, मेरी पूरी टीम है, टीम सारा सपोर्ट कर रही है, और आगे चल के हम एक एक कंटेंट को आपके सामने दिखाएंगे, मतलब जो हम कर सकेंगे ऐसे आदमी के लिए, बच्चों के लिए, वो हमारी तरफ से कोशिश रहेगी। उनका जो कार्य रहा है, उनके कार्यों पे हम चल रहे हैं, और मेरी माता जी लक्ष्मी शिंदे, उसका भी बहुत सारा सपोर्ट रहा है, जब से पिताजी गुजर गए तब से माता जी ने पूरा सपोर्ट किया मुझे, आगे चल के उनका आशीर्वाद ही काम आएगा हमें इस फाउंडेशन को बढ़ाने के लिए। मैं हर सबसे गुजारिश करूँगा कि हर इंसान में कुछ ना कुछ सोचना चाहिए अपनी तरफ से, जो भी हो सके, छोटा चाहे बड़ा, ऐसा कुछ नहीं होता, काम काम होता है, जितना भी आप देने की कोशिश करोगे उतना आपका बढ़ेगा काम, आपको सफलता उतनी मिलेगी। अपने बच्चों का बर्थडे जो मनाते हैं तो काफ़ी महंगा मनाते हैं, डीजे बजाते हैं, खर्चा करते हैं, पर आज जो आप बर्थडे मना रहे हैं, गौर गरीबों के बीच में आए हुए और अन्नदान कर रहे हैं, क्या कहेंगे सर आपकी बच्ची की, कितने साल की, उस बारे में बताएं। मेरा ये कहना है कि हर कोई अपने अपने तरीके से बर्थडे मनाता है, लेकिन मेरा ये कहना है कि सबको, आप दूसरों की भी कुछ कदर करो, या फिर जो आप खुद ज़्यादा वेस्टेज आपका पैसा खाना जाता है तो वो बर्बाद ना हो जाए, कोई ऐसी जगह पे आप जाओ जहाँ पे सारे भूखे, उनका एक उनकी प्यास या फिर उनको खाना मिल जाए, इस तरीके से आप कुछ सोचो कि उनका भी कुछ आप अच्छा कर सकोगे। मेरे फाउंडेशन की वजह से हम यही कर रहे हैं कि कोशिश की ऐसे बच्चों को, ऐसे इंसान को जिनको खाना इंडस्ट्री में होता है, उनको वहाँ पर इंडिया में जाके उनको खाना देना, और उनकी दुआएं जो लगेगी लगेगी मिलेगी मेरे बच्चे को या फिर मेरे फाउंडेशन को या मेरे फ्रेंड सर्कल को, वो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट रहेगी। कितने साल की बच्ची है सर आपकी? छः साल हुए इसको। आप रहने के लिए कहाँ पर हैं? सातारा परिसर में। आपका पूरा नाम बोलिए। अमित शिंदे सर की बच्ची का जन्मदिन गरीबों के बीच सातारा परिसर में मना रहे हैं, क्या कहेंगे आप, क्या संदेश देना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे पहली बार तो यहाँ पर आके, क्योंकि हर मंथ में हम ऐसे बर्थडे यहीं करते हैं आके, और ये सही तरीका है, लोग होटलों में पैसे डालते हैं, पार्टियाँ करते हैं, केक फेंकते हैं, उससे अच्छा है कि इन गरीब बच्चों के बीच में मिलके इनको जो अपन मदद करते हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। जाहिर सर, यहाँ सतारा परिसर में स्टेशन के बाहर जब आते हैं तो हिंदू मुस्लिम का एक जोड़ नजर आता है, मगर सिटी में नफरत का माहौल नजर आता है, क्या कहेंगे सर? सर ये सब इलेक्शन है, इसमें हम कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि हम लोग तो हम हिंदू में भी रहते हैं, मुस्लिम में रहते हैं, सब एक भाईचारा सब में बना हुआ है, इलेक्शन के है इसमें तो कुछ बोल नहीं सकते। आपका आप रहने वाले कहाँ के सर? मैं सतारा MIT कॉलेज बिड़बाय पास, मेट्रो जिम का ओनर हूँ मैं, मेरा नाम जावेद खान है। जय सर, आज जो अमित सर ने बर्थडे मनाया है तो आप नौजवानों को और उनके पेरेंट्स को क्या संदेश देंगे कि ऐसा ही जन्मदिन मनाना चाहिए? ये जो बच्ची है इनका हर साल बर्थडे हम यही मनाते हैं,
और पूरे लोग बर्थडे मिलके यहीं आते हैं हमारा जो ग्रुप सर्कल है। तो मैं नौजवानों को यही बोलूँगा कि जो फालतू फजूल खर्चा करते हैं वो यहाँ पे आके बच्चों का जन्मदिन मना रहे हैं। और सर ने बताया कि आप भी बाहर से विजिटर्स हैं, बाहर से मेहमान हैं, कैसा लगा माहौल यहाँ औरंगाबाद का? औरंगाबाद, वैसे मैं औरंगाबाद में लास्ट 20 साल से रह रहा हूँ और यही सामने कासीवाल मारोल में ही रहता हूँ। फर्स्ट टाइम मैं ऐसे कोई प्रोग्राम में आया हूँ और ये देख के बहुत अच्छा लगा है। बच्चे का बर्थडे मनाया गया, जो सुपर मूवमेंट, और साथ में ही वो गरीब बच्चों के लिए खाना कर रहे हैं, एक अच्छी बात है। ठीक है, हम लोग बर्थडे अपने अपने हिसाब से सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन उन्होंने जो आयोजन किया है एक बहुत अच्छा आयोजन है, जिससे अपनी उनको अपनी आत्मा को और भगवान को सबको संतुष्टि मिलती है। वेरी ग्रेट। कहाँ से है सर आप? मैं जो है NCR से बिलोंग करता हूँ, यानी कि दिल्ली के पास UP से। सर आपने बताया कि NCR से बिलोंग करते हैं आप, 20 साल हो गए आपको औरंगाबाद में, औरंगाबाद का माहौल यहाँ का कैसा लगता है आपको? मुझे 20 साल यहाँ रहते हुए हो गए हैं, तो समझो कि माहौल अच्छा ही है। डॉक्टर साहब, आई एम लिविंग हियर, अदरवाइज मैं ट्रांसफर लेके चला जाता, बट यहाँ का माहौल अच्छा है, यहाँ का वेदर अच्छा है। और आपने एक चीज़ बोला हिंदू मुस्लिम वाला, वो तो कुछ लोग होते हैं जिनको जो बोलना होता है बोलते हैं, लेकिन सभी लोग मिलजुल के रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं। आपका गुड नेम सर? माय नेम इज धीरज चौधरी। आज आपले नातू से जन्मदिन आहे, कसे साजरा करता तुम्ही त्याच्या बद्दल सांगा। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। आज माझे नात पवित्र शिंदे आपण वाढदिवस नेहमीच मोठ्या माणसामध्ये साजरा करत असतो, परंतु ज्यावेळेस आपण झोपडवासीच्या सहवासामध्ये येतो खरं जीवन आपलं पाहायला भेटतो। आणि आज अन्नदान करताना त्यांच्यावर त्यांच्या चेहऱ्यावरचा आनंद म्हणजे माझ्या नातेला ईश्वरी आशीर्वाद आहे। तर तेव्हा हा प्रकारचा एक प्रकारचा आनंद हा वाढदिवस हा एक आलोक प्रकार आहे। गोर गर्भात राहून गोरगर्भामध्ये राहून त्यांच्यामध्ये त्यांच्या चेहऱ्याचा आनंद एक प्रकारचा आपला दुबई कसा करता येईल आपण अपेक्षा होती। आणि म्हणून त्या लहान लहान मुलांच्या चेहऱ्यावर अन्नदान केल्यानंतर एक हसे येतं, एक चेहरा प्रफुल्लित होतं, आणि मग तो खरंच असतात मोठ्या माणसाला। आपण कुठं हॉटेलमध्ये जाऊन जेव्हा करतो त्यामध्ये काय नसतं माणसाला की त्याचं समाधान नसतं, परंतु आज ह्या झोपडवाशी आम्हाला आल्यानंतर माझ्या नातीचा खूप छान बर्थडे म्हणजे काहीतरी समाजासाठी आपण देणं लागतो, आणि त्या समाजासाठी देणं लागत असताना आपण सुद्धा इतरांचा विचार करणं हे आपलं खूप गरजेचं असतं। म्हणून या निमित्ताने माझा मुलगा अमित शिंदे, सूर पल्लवी शिंदे आणि नाथ पवित्रा शिंदे, अर्णव शिंदे आणि मी तिची आजी मंदाकरी शिंदे, आम्ही सगळ्यांनी या झोपडवाशीमध्ये येऊन आणि या सगळ्यांसाठी त्यांच्या चेहऱ्याचा आनंद आपल्याला कसा घेता येईल, आपल्याला कसा दुबिरे करता येईल, याचा आम्ही खूप म्हणजे आम्ही जवळून पाहायला भेटलं। आणि अशा प्रकारे इथून पुन्हा माझ्या मुलाला गरिबांची सेवा करावी असाच ईश्वराने आशीर्वाद द्यावा असं मला वाटतं।